अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब के सब बहुत खैरियत से होंगे और आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तावीज जिसे आप बनाकर पहन सकते हैं और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इसको बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी मोहब्बत जो है वो सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल भी गलत मंसूबे के साथ, गलत सोच के साथ आपको ये काम नहीं करना है दोस्तों। सच्ची मोहब्बत ही आपको हासिल होगी जब आप सच्चे मन से इस वजीफे को, इस तावीज को बनाकर पहनेंगे तो आपकी मोहब्बत आपकी तरफ खींची चली आएगी। चाहे कोई पुरानी मोहब्बत हो दोस्तों या फिर 4 दिन का प्यार हो, आप दोनों ही तरह के प्यार को सच्चा प्यार कह सकते हैं अगर वो आपके दिल से सच्चा हो तो। अब दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको ये जुमेरात के दिन करना है और जुमेरात के दिन आपको तावीज बनाना शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक धागा लेना है और उसके अंदर आपको इस तरह से एक गांठ लगानी है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसमें गांठ लगाई है। जब ये इतना छोटा रह जाए तो आपको इसके बीच में इसको लॉन्ग को ऐसे रख देना है और उसके बाद इसे ऐसे खींचना है। आप देख सकते हैं लॉन्ग इसने बीच में बंद गई है। इसी तरह से आपको एक बार फिर से करना है और लॉन्ग के ऊपर इस धागे को इस तरह से ऐसे बांध देना है। ठीक है दोस्तों, और अब आपको ऐसे तीसरी बार भी करना है। तीसरी बार आप इसे जब करेंगे तो आपको एक वजीफा है जो आपको बोलना होगा और उसको बोलते समय आपको याद रखना है दोस्तों कि आप अपने सच्चे प्यार को, अपने आपकी जो सच्ची मोहब्बत है उसके बारे में आपको सोचना है और उसके बाद ही आप इस अमल को पूरा करें। तो इस तरह से आपको इसे 3 बार लॉन्ग के ऊपर धागे की मदद से गांठ लगा देनी है और ये पूरी तरह से लॉन्ग की धागे में बन चुका होगा। अब ये आपके सामने रखी होगी। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक शब्द है जिसे आपको 99 बार पढ़ना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक और बात का ख्याल रखना है, वो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा। आपको 3 बार पढ़ना होगा दुरूद पाक और उसके बाद 99 बार आपको एक शब्द है वो बोलना होगा और उसके बाद आपकी जो ये जो वजीफा है, जो आपका अमल है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आपको बोलना होगा या वदूदू, या वदूदू आपको बोलना है 99 बार दोस्तों, और उसके बाद 3 बार फिर से आपको दुरूद पाक को पढ़ना है। अगर आपको दुरूद पाक नहीं आता है या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उसके में आपको वक्त लगेगा तो आप दुरूद पाक की जगह पे ये पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपको बस इतना बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, 3 बार आपको दुरूद पाक की जगह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है, फिर या वदूदू 99 बार बोलना है और फिर से 3 बार आपको दुरूद पाक की जगह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है। इस तरह से आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको अपने दाएं पैर पर, यानी कि आपका जो राइट पैर है वहां पर आपको इसे बांध लेना है। और बांधने से पहले दोस्तों एक काम आपको करना है, वो बहुत जरूरी है। वो क्या करना है कि इस लॉन्ग को आपको इसमें से निकाल देना है। इस तरह से आप लॉन्ग को बीच में से तोड़ कर निकाल दीजिए। और ये आपका जो है इस तरह, अब आपको इस धागे को अपने राइट पैर में बांध लेना है। लेकिन दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना है, वो ये कि आप जब इसे अपने पैर में बांधेंगे जुमेरात के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको ये काम करना है, और उसके बाद आपको इसे 3 दिन तक अपने पैरों को बंधे रखने देना है। ध्यान रखिए कि आपको कोई देखे नहीं,
मतलब आप अपने पैर में इसे थोड़ा ऊपर की तरफ बांध सकते हैं जिससे कि कोई इसे देखने ना पाए। 3 दिन तक आप इसे अपने पैर में बंधे रहने दीजिए। 4th दिन आपको इसे निकालना है और उसके बाद आपको इसे मिट्टी में ले जाके दबा देना है। जी हाँ, मिट्टी में दफन कर देना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मोहब्बत है वो आपके पास आ जाएगी। चाहे पुरानी मोहब्बत हो या फिर आपकी कोई रूठी हुई प्रेमिका हो, कोई भी हो, आपकी जिंदगी में वो वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, आप इसे जरूर करके देखिए। और अगर आपका कोई और मसला है, कोई और प्रॉब्लम है आपकी, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। शब्बा खैर दोस्तों।